नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ग्रोपुंजी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक के बारे में, जहां हमें आज के दिन मद्रास फर्टिलाइजर में 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है और अभी इस स्टॉक की प्राइस चल रही है 43.80 एंड जीएनएफसी में हमें आज के दिन 5% तक का पॉजिटिव अपट्रेंड देखने को मिला है। एंड थर्ड नंबर का जो स्टॉक है वो है जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड, जिसमें आज के दिन हमें 3.5% की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है एंड नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड स्टॉक में आज के दिन हमें 2.5% की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में क्या न्यूज है जिसकी वजह से हमें स्टॉक में एक इतना अच्छा पॉजिटिव अपट्रेंड देखने को मिल रहा है, और बाद में हम ये सभी स्टॉक के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किस स्टॉक में हमें अभी और अपट्रेंड देखने को मिल सकता है, किस स्टॉक को हमें होल्ड करके रखना चाहिए और किस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए, इस बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में जानेंगे, जिसमें लगा हुआ है 20% का अपर सर्किट, और उसके बाद में जीएनएफसी, जुआरी एंड एनएफएल, ये तीनों स्टॉक के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और ऐसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की न्यूज और स्टॉक्स की एनालिसिस करके मैं आपके लिए लेके आता रहूं। और साथ ही दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड सभी न्यूज हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और साथ ही शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। दोस्तों मद्रास फर्टिलाइजर का जो मार्केट कैप है वो है 700 करोड़ का और कंपनी पर 1476 करोड़ का डेप्ट है और कंपनी की बुक वैल्यू है -39। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ सकता है आगे का। दोस्तों केमिकल सेक्टर में ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है जिसकी वजह से हमें मद्रास फर्टिलाइजर में एक 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है, लेकिन आज के दिन मद्रास फर्टिलाइजर स्टॉक में काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा वॉल्यूम काफी टाइम से मद्रास फर्टिलाइजर स्टॉक में नहीं आया था जितना अच्छा वॉल्यूम आज के दिन था, और आज के दिन मद्रास फर्टिलाइजर ने डेली पर, वीकली पर और मंथली पर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है, जिसकी वजह से हमें इस स्टॉक में ऊपर की तरफ काफी अच्छा अपट्रेंड देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपके पास मद्रास फर्टिलाइजर के स्टॉक है तो आप 39 का एसएल मेंटेन करके इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानेंगे, जो है जीएनएफसी, जिसकी प्राइस चल रही है 799 और आज के दिन इस स्टॉक में 5% की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप है 12,400 करोड़ का और इस कंपनी पर टोटल डेप्ट है 10 करोड़ का और कंपनी की बुक वैल्यू है 419 करोड़ की। धीरे धीरे करके इस कंपनी ने अपना पूरा डेप्ट क्लियर कर दिया है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। दोस्तों आज के दिन इस स्टॉक में हमें काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है, आप देख सकते हैं वीकली पर लास्ट 4 वीक से कंटिन्यू हमें इस स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम और एक अच्छा अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों इस स्टॉक को आप होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ ना ही कोई रेसिस्टेंस है और नीचे की तरफ ना ही कोई सपोर्ट है। नीचे की तरफ जो छोटा सा सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 682 का। न्यू एंट्री आप इस स्टॉक में ना ले, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी इसकी स्टॉक है तो दोस्तों होल्ड करके चले, क्योंकि केमिकल सेक्टर में हमें आगे यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऊपर की तरफ और अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और कंपनी में जो अच्छी बात है वो ये है कि कंपनी डेप्ट फ्री हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानेंगे, जो है जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड। दोस्तों जुआरी एग्रो केमिकल लिमिटेड स्टॉक की प्राइस चल रही है 141 और इस कंपनी ने, इस स्टॉक ने आज के दिन 3.5% की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इसका मार्केट कैप है 594 करोड़ का और इस कंपनी पर जो टोटल डेप्ट है वो है 2580 करोड़ का, यानी कि बहुत ही ज्यादा डेप्ट है। बट कंपनी अपना डेप्ट रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, तो ऑब्वियसली डेप्ट रिड्यूस होने में टाइम तो जाएगा और कंपनी अपना अच्छा क्वार्टर की एक्सपेक्ट कर रही है। दोस्तों अगर हम बात करें इस स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस की, तो दोस्तों जितना हमें केमिकल सेक्टर के बाकी स्टॉक में एक अच्छा खासा अपट्रेंड देखने को मिला है, उतना हमें इस स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। आप देख सकते हैं कि 2021 सितंबर अक्टूबर से ये स्टॉक सिर्फ इसी रेंज में घूम रहा है, 161 और 100,
यानी कि सिर्फ 60 रुपए की रेंज में घूम रहा है जुवारी एग्रो केमिकल। अगर ये स्टॉक 160 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो दोस्तों हमें इस स्टॉक में ऊपर की तरफ और अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास इसके स्टॉक है तो दोस्तों 100 रुपीज का एसएल मेंटेन करके आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इस स्टॉक से प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि दोस्तों कंपनी पर बहुत ही ज्यादा डेप्ट है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानेंगे जो है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसके प्राइस चल रही है 53 और इस स्टॉक ने आज के दिन 2.5% की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप है 2600 करोड़ का और कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो है 2800 करोड़ का, और ये कंपनी भी अपना डेप्ट रिड्यूस कर रही है, बट ऑब्वियसली क्लियर है डेप्ट बहुत ज्यादा है तो इसमें भी टाइम जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा डेप्ट ज्वारी का है उतना ज्यादा नेशनल फर्टिलाइजर का नहीं है, तो ऑब्वियसली ज्वारी से अच्छा है एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर। दोस्तों इस स्टॉक में हमें 58 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास इसके स्टॉक है तो दोस्तों 40 रुपए का एसएल मेंटेन करके आप इस स्टॉक में एंट्री बना के रख सकते हैं। अगर ये स्टॉक 59 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो दोस्तों हमें इस स्टॉक में 70 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों केमिकल स्टॉक में ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है जिसकी वजह से हमें एक अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए आप जीएनएफसी के स्टॉक में एंट्री बना के रख सकते हैं, तो ये कंपनी डेप्ट फ्री हो चुकी है और काफी अच्छा अपट्रेंड देखने को मिल रहा है हमें जीएनएफसी के स्टॉक में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।